अतुल एक बहुत बड़ी विकेट है, पहले ऐसा लगा कैच छोड़ दिया है, पर क्या यहाँ पे तालमेल, जीशु ने अंत में कैच पकड़ा, देखिए खुशी का कोई डीप पॉइंट पर खेलकर एक रन दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वापस किया। तो आगे कथा बोलছিলাম आलोचना করছিলাম যে 20 ওভারের খেলা 120 বল 120 বলই রাখা উচিত, প্রত্যেকটা এক্সট্রা বল আঘাত করতে পারে, পরে कप्तान दिनेश लाल यादव निरहुआ पर थोड़ी सी खुशी नजर आ रही है, अभी भी और एक बार फिर पूरी तरह से चढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं बंगाल टाइगर्स के गेंदबाज। 11 ओवर की समाप्ति 78 पे 3 @CCL रिटर्न्स रूट मिल रही है और ये अच्छा संकेत है सैंडी के लिए। तुम अपील लेकिन गेंद बैट से लगने बड़ो हिट है दिखे तक ये भोजपुर दबंग चिंता भोजपुर दबंग डगआउट है। देवराज है बॉलिंग इन पर, गैप्स काफी हैं और अगर आप गैप पे खेलेंगे तो आप उसका लाभ भी मिलेगा, थोड़ी सी तालमेल में कमी, पॉइंट की दिशा में खेलकर एक रन बनाया। ठीक है यहां पे मुझे लगता है कि बॉल के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, 44 बॉल पर 94 रन चाहिए जीतने के लिए। ऑफसाइड फील्डिंग बल्लेबाज, एक बार किंतु पुल हाटो लेंथर बिल्डिंग और एक टू आई खान दिखाई पड़े आपको, अनारा गुप्ता पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ अर्थात पांचटा फील्डर ऑफसाइड है एवं डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन एवं फाइन लेग সেইখানে শর্ট বল দিয়ে ফেলে দেন, ভুলে যাবেন না ছিলেন সবাই চিত্র তারকা চেষ্টা করছেন ক্রিকেট খেলার, ভুল ত্রুটি হতেই পারে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্ত ওরা চেষ্টা করছেন। কভার ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ কিয়া হ্যায় লেকিন এক রান সেই চলে চলে গিয়েছিল, দুসরে রান কে লিয়ে ভাগ রহে হ্যায় আর ও দুটি রান, দো রান পুরা কিয়া রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, 13 ওভার কি সমাপ্তি পর 98 পর 3 তার ওভারে শেষে 98 3 উইকেট হ্যায় আর ওই হুয়া লং অফ ক্ষেত্র পে 4 রান মিলতে হুয়ে বোসবি দবং স্কোর খান কো বড়িয়া ओवर साबित होता हुआ ये सैंडी का 9 रन जाते हुए 12 ओवर की समाप्ति 83 पर। तीन मैच खेलकर दो जीते और एक हार के साथ 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। भोजपुरी दबंग ने दो मैच अब तक खेले हैं, दोनों मैच उन्होंने हारे हैं और 0 पॉइंट। बंगाल टाइगर दो मैच खेले हैं जीरो जीत के साथ, उनके भी 0 अंक हैं। बंगाल टाइगर और भोजपुरी दबंग इन दोनों का ये तीसरा मैच है, दोनों में जो विजेता होगा वो अपने पूल में तीसरी पोजीशन पर होगा, थोड़ा आत्मसम्मान बचाए रखना होगा, बनाए बचा रहेगा। हालांकि दोनों टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर है। ओजा बैटिंग को चिन 25 रन है, असद खान अच्छे 16 रन है, स्टेडियम में मस्ती और उत्साह अभी बना हुआ है। छोटा पार्टनरशिप गुड़ी उच्च इधर मध्य खेला जाए हो प्रथम के किंतु को थोड़ी सी निराश हो गई मध्य आज प्रथम सेमीफाइनल होगा तेलुगु वॉरियर्स वर्सेस मुंबई हीरोज, मुंबई हीरोज लाइव फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद जनवरी 31 दोपहर 2:30 बजे से पहला सेमीफाइनल फाइनल प्रथम दो मैच और सेमीफाइनल तेलुगु वॉरियर्स और मुंबई हीरोज के बीच में होगा 31 जनवरी को हैदराबाद में दोपहर 2:30 बजे, और दूसरा सेमीफाइनल होगा कर्नाटक बुलडोजर्स वर्सेस चेन्नई डायनोस के बीच में 31 जनवरी को शाम 7 बजे हैदराबाद में। सेमीफाइनल की चारों टीमें फाइनल हो चुकी है, भोजपुरी दबंग और बंगाल टाइगर के ये मैच आत्मसम्मान बचाने के लिए खेला जा रहा है। थर्ड मैन की दिशा में कट करके एक रन मुश्किलें बढ़ेंगी आपके लिए,
এখন মরিয়া হয়ে সিঙ্গেল দিচ্ছেন, জানেন প্রতি বলে ব্যাটে লাগলে এবং প্রত্যেক ফিল্ডার সার্কেলের মধ্যে 41 বল পর 85 রান চাই জিতনে কে লিয়ে কভার স্কয়ার লেগ এবং হালকি ভোজপুরি দবন কে পাস উইকেট অভি বচে হুয়ে হ্যায় ইসলিয়ে উম্মীদ হ্যায় কি ও ফাইট ব্যাক করেঙ্গে সার্কেলের মধ্যে হলো 38 সার্কেল থেকে আসছে যেটা এখন থোড়া সা ক্যাচ আপ করলে লেকিন দেখা যায় 13.1 ওভার মে বেঙ্গল টাইগার নে ভি 99 পর 3 থে আর ভোজপুরি দবন ভি 99 পর 3 হ্যায় ভালো বল করেছেন ফুল বল লং অফ এর হাতে এক রান হওয়া উচিত মিড অফ পর খেল কর এক রান বানায় জবরদস্ত ইয়া পে প্রহার কিয়া দা ওঝা নে এনসি বারে আউটফিল্ড এখান থেকে আর টিভি পর ইসমে পজিশন দোনো কি সেম চল রহি 13.2 ওভার মে যাহা বেঙ্গল টাইগার নে 100 রান পর 3 রান বানায়ে থে ভাই ভোজপুরি দবন নে 100 রান পর 100 रन पर 3 विकेट गंवाए हैं। बेंगाल टाइगर ने भी 100 रन पर 3 विकेट गंवाए। 14 ओवर की समाप्ति पर 111 पर 3 भोजपुरी दबंग। 14 ओवर की समाप्ति पर बेंगाल टाइगर्स ने जहां 104 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं भोजपुरी दबंग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 111 रन पर 3 विकेट गंवाए हैं। लेकिन रिक्वायर रन रेट अभी भी बहुत ज्यादा 12.1 शाबाश 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 কথা হবে উস দিশা মে স্ট্রাইক করনা অন সাইড পে এ মাঠে কথা হচ্ছে না সবাই কথা বলবে আর ये दोनों बैट्समैन की जोड़ी जमी रही विकेट पर तो जीत मुश्किल नहीं है भोजपुरी दबंग के लिए हवा में खेलना होगा ये बुलिस्ता की एरियल शॉट्स अब चाहिए थोड़ा सा टॉपर इस लेना होगा पुल करके मारने की कोशिश की थी लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। बॉलिंग परिवर्तन हुए थे पाल जी इनको कुछ लॉफ्टेड शॉट मारना मजबूरी भी है भोजपुरी दबंग के बैट्समैन की। चल रहा है मुकाबला यहां पे गेम क्या कोई शरीर का अंग लगा है प्रमुख सिनेमा बॉलर के ऊपर से मार दिया है चार रन मिलेंगे कोई फील्डर रुकने में संभव नहीं इस ये देखिए ऐसा प्रवेश लाल यादव की चेहरे पे अब खुशी नजर आ रही है हालांकि वो खुद जीरो रन पर आउट हो गए थे देखिए बॉलर के सिर के ऊपर से उठा मारा बॉल के जो यही बॉल ही करते हैं ताले किंतु आरो जोरे बॉल करते हैं जैसे बैट्समैन उतना समय ना पाए बैट तक के खुली ओतकने आना चाहिए बॉल तारो ताती तार के पहुंचे ही था हमें 34 बॉल पर 69 रन चाहिए भोजपुरी दबंग को जीतने के लिए ये कारण है बैट्समैन समय पे लेने बैट तक के और यही मुझे लगता है ये वाइंड अप करने जो ना जिसके बैक लिफ्ट बोला है जैसे हम सुन रहे थे शॉट पॉली करते हैं ताले और तातरी करते हैं जैसे बैट्समैन कार अपने मैच अभी भी बराबरी का भोजपुरी दबंग और बेंगाल टाइगर्स के बीच में एट ऑफ हेलो बॉल करते हैं ऑफ स्टंप पे बाहर বলটা পড়ে ডায়াগোনালি আরো বাইরে দিকে যাচ্ছে যদি বা বলটা ছাড়ে না স্পিনে উইকেট রেকর্ড অফ স্পিন হয় না কি বড় হয় और बेहतर नजर आ रहा है यहाँ पे 4 रन मिलेंगे ओ जाने एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया गैप में खेला बचपन जो नहीं क्रीज में खेला और 4 रन मिलते हुए भोजपुरी दबंग का डग आउट अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैच जीत ही जाएंगे चिंता भरा शब्द क्योंकि बॉल और रनों के बीच का अंतर काफी ज्यादा है लेकिन भोजपुरी दर्शकों में उत्साह बना हुआ है जो मर्जी कर ले कुछ भी ठीक नहीं जाता वाइड का इशारा ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी कि इशारा अंपायर दे चुके हैं अब तक यूसुफ चिश्ती राउंड द विकेट बॉफ स्पिन बॉल करते हैं किंतु ताड़ाहुड़ो करे फेल चेन ऑफ स्टंप पर बाय जोल अबुदम किंतु अंपायर छोड़ा दान नहीं दोनों सेट बैट्समैन भी है क्रीज पे खूब भलो जगह बॉल करते हैं एकदम बाहर डगा है देखो একটু দূরে অতএব বলটা পড়ে ডায়াগোনাল যাচ্ছে ठीक है ये बॉल टिक के ऑनसाइड में मारा लगाते हुए रन बचाए ऑफसाइड ही मारते हुए मेरे चेन हाथ में देखा जाए क्या जो है ना कि और रन और मिलेंगे 14 ओवर के समाप्ति के बाद